नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक विशेष सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी आर्मी और साथ ही साथ में जो वेरियस वैकेंसीज की जो तैयारी करने वाले हमारे युवा हैं उन सब भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। सूचना इस बात की, आप देख सकते हैं ये राजस्थान का एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि जोधपुर से निकला हुआ है। इसमें जो सूचना है पत्रिका का जो है आपके फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है कि सेना में 45,000 वैकेंसी अगले 2 महीने में 14 राज्यों में रैली भर्ती माध्यम से की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी जो लगातार तैयारी कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। और सुनहरा अवसर निकल कर आता है आपके इस वैकेंसी से जिसे कहा जाता है प्रादेशिक सेना, जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी इस बार जो है अपनी वैकेंसीज को करवाने के लिए यहाँ पर आपके तत्पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू लेकर आया हूँ जो नेक्स्ट मंथ में आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है उस मंथ के नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए। यहाँ पर ये जो भर्ती है वो है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी अग्निवीर से अलग होती है ना। यहाँ पर ये परमानेंट जॉब होता है, साथ ही साथ ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी यहाँ पर देखें। अथॉरिटी जो है वो है टेरिटोरियल आर्मी, यानी प्रादेशिक सेना है। पोस्ट का जो नाम है इसमें जीडी मतलब सोल्जर, जीडी वाला मिलेगा, क्लर्क मिलेगा और ट्रेडमैन, तीनों तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट 2024 का ही कहा जाएगा। टोटल पोस्ट जो है 3500 से ज्यादा है, मतलब अभी फिक्स नहीं है, एक अनुमानित आइडिया है कि यहां पे 3500 से समथिंग आपकी पोस्ट आने वाली है। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जब इसका नोटिफिकेशन हमारे हाथों में होगा। चलिए अगला है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 नवंबर 2024 में। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी भर्ती जो है एप्लीकेशन एंडेड डेट हो जाएगी 24 दिसंबर 2024, यानी नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर में इसका फॉर्म बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये गवर्नमेंट जॉब है, इंडिया का जॉब है, साथ ही साथ में इसकी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन का आपका, ये आपका मैंने बता दिया ओवरव्यू। अगला जो है वो है कि ये टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली जो है ये रैली भर्ती के फॉर्म में होगा, और रैली भर्ती के फॉर्म में होगा तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको दे रखी है। यहां पर आपके लोकेशन दे रखी है, कहां कहां किस किस स्टेट्स में ये रैली भर्ती होने वाली है, जैसे माधोपुर पंजाब में, लुधियाना पंजाब में, कालका हरियाणा में, न्यू दिल्ली पिथौरागढ़ है ना, यहां पे दानापुर कोल्हापुर, फिर है आपके कोयम्बटूर बेगावनी, फिर दलावली और फिर यहां पे सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार में भी इसका यहां पे रैली भर्ती का ऑर्गेनाइज होगा। डेट आपके सामने है 10 से 24, 28 नवंबर, फिर है आपके 12 से 27 नवंबर, 4 से 16 नवंबर और 4 से 16 नवंबर 2024। तो नवंबर में ऑलमोस्ट ये सारी भर्तियां डन होने वाली है। अभी आपके अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपके खत्म हो चुका है, ये सेकंड वीक चल रहा है और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो आज आपको बता रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए रखे हैं, सभी भारत के ऑल ओवर इंडिया की जो है वैकेंसी है, तो सभी जगह ऑलमोस्ट ये वैकेंसी आपका क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से है ना। अगला जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि सर एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो भैया यहां पे एज क्राइटेरिया जो है वो होगा आपका, देखिएगा एज जो क्राइटेरिया है वो 18 ईयर से स्टार्ट होगा है ना। आपका अगर मिनिमम एज 18 ईयर है तो आप एलिजिबल है, मैक्सिमम एज आपका 42 ईयर है तो आप एलिजिबल है। यहां पे एज रिलैक्सेशन जो अथॉरिटीज रूल है उसके भी यहां पर एज रिलैक्सेशन भी आपका मिल सकता है। अगला जो है वो क्या है, अगला है यहां पे टेरिटोरियल जो रैली है इसमें भर्ती कितनी हो सकती है सर, तो यहां पर हमने अनुमानित जो पोस्ट बताई थी वो बताई थी 3500 है ना, और इसके प्लस ही लिखा है, नेगेटिव नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब है आपके 3500 के समथिंग तो पोस्ट आने वाली है, अब देखते हैं कितनी आ सकती है। जीडी में आपका 2500 जो है आपके समथिंग पोस्ट आने हैं, क्लर्क में लगभग 50 या 100 के समथिंग हो सकता है, ट्रेड्समैन में 300 हो सकते हैं, और ट्रेड्समैन जो 8th पास है, यहां पे दो तरह के हैं, एक 10th पास और एक 8th पास, ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सर, क्वालिफिकेशन ये तो बता दो। तो बच्चा जो बच्चा 10वीं पास है और 18 साल का है तो वो क्वालिफाई है, 45 मार्क्स से अगर पास है तो क्वालिफाई है। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे दोनों में 45-45% जरूरी है, बाकी इन दोनों में 45 नहीं होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब है क्वालिफिकेशन ज्यादा वो नहीं है, 18 वर्ष की उम्र है और 42 वर्ष तक आप दे सकते हो। उसके बाद जो है 45% दोनों, इन दोनों ऊपर की पोस्ट के लिए 45% और इन दोनों नीचे की पोस्ट के लिए 10वीं पास बच्चा चाहिए, ज्यादा कोई हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगला जो है यहां पे
सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीका है कि हमारा सिलेक्ट कैसे होंगे हम सर, कैसे हम इसको पास करेंगे, कैसे हम जो है इस भर्ती को हम अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिएगा, जब हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद हमारा क्या होगा, रैली भर्ती का आयोजन होगा। रैली भर्ती में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी आपसे करवाया जाएगा। बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपसे दौड़ भाग करवाई जाएगी। फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी, जिसमें आपसे ये गोला भाला फेंक और जो भी है आपका जो शॉटपुट आउटपुट है ये सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। फिर होगा आपका, जब इन दोनों को करवा लिया जाएगा, तब होगा आपका रिटर्न एग्जाम। आपका क्या होगा, रिटर्न फेज स्टार्ट होगा। रिटर्न फेज स्टार्ट होने के बाद आपके यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, जो नीचे की जो ट्रेड्समैन वाली दो पोस्ट थी उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। कुछ वजन वजन उठा के कहा जाएगा कि इतने किलोमीटर आपको चलना है, तो वो आप बच्चा समझते हो कि आप इतना फिजिकल करते हो तो यहाँ पे वजन उठाना क्या बड़ी बात है, ये भी कर जाओगे। ठीक है, अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई साहब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज है वो आपके वेरीफाई हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब होता है आपका मेडिकल टेस्ट, जो आर्मी का होता है वैसे का वैसे टेरिटोरी आर्मी का भी मेडिकल टेस्ट होता है। तो बस यही प्रोसीजर है, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। जो पहले वो रैली भर्ती अग्निवीर में होती थी वैसे की वैसी भर्ती प्रक्रिया यहां भी होगी। वैसे ही आपका क्या होगा, यहां पे रनिंग होगी, फिर आपका क्या होगा, आपके यहां पे रिटन एग्जाम होगी। रिटन एग्जाम के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और फाइनली यू विल बी सिलेक्ट। तो यहां पे हो गया आपका क्या भर्ती। अब सबसे बड़ी बात कि सर रनिंग भर्ती होगी, अब कर आपको फिजिकल करना है तो फिजिकल के लिए कहां जाएं, कहां करें, कहां से ना करें। तो भाई साहब पूरी इंडिया का एक ही जवाब, और ये जवाब जो है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है फोर्स डिफेंस एकेडमी यानी फोर्स फिजिकल एकेडमी जो है वो आपके लिए तत्पर है। और इस तरह का पूरा एक ग्राउंड बना रखा है, 5 एकड़ में पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं फोटो। ये पूरा एकदम आपके ये जो भर्ती प्रक्रिया में जो बच्चे रनिंग करते हैं, जो फिजिकल करते हैं, उन फिजिकल की तैयारी हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो काफी अच्छे तरीके से इसके माध्यम से जो है करवाई जाती है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहां पे चाहे शॉर्ट पुट हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे रनिंग हो, रनिंग का टाइमिंग हो, सारी जो है आपके फिजिकल एक्टिविटीज यहां पे करवाई जाती है। तो ये जो क्लासेस है वो बहुत जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। और इन क्लासेस का अगर मैं आपको प्राइस बता दूं तो मात्र ₹3,000 में आपका जो है बेटा यहाँ पे रनिंग जो है यानी फिजिकल का जो तैयारी है वो फिजिकल का तैयारी फोर्स डिफेंस एकेडमी के माध्यम से करवाई जाएगी। अब आप कहेंगे सर कैसे संपर्क कैसे साधे, किस तरह से हम इससे जुड़े, तो इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, नीचे मैं आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करिएगा। और उस मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद जो है इस क्लास के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ में आप फिजिकल की अपनी तैयारी इस टेरिटोरियल आर्मी के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।